रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज फैसलाकुन मारके की रात है। साधारण पंजाब ने टॉस जीता है इस नेशनल टी20 कप 2020 के फाइनल में और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ। ये दो अंपायर्स हैं आसिफ याकूब और एहसन रजा। एहसन अपना 19वां फाइनल ऑफिशिएट कर रहे हैं नेशनल टी20 चैंपियनशिप का। आमिर यामीन पहली गेंद कर रहे हैं फाइनल की, लेग स्टंप के बाहर गिरी थी इसलिए अंपायर पर बिल्कुल असर नहीं हुआ एहसन रजा पर इस LBW की अपील का। वैसे निकालने में कामयाब हुए ऑफ द पैड और चार रन्स मिल जाएंगे। मोमेंट के बावजूद ये अच्छा आगाज़ है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। मोहम्मद अब्बास बॉलिंग करेंगे मीडिया सेंटर एंड से और उनका बॉलिंग क्रीज पर खैर मकदम किया। ये जोरदार छक्का लगाकर फखर जमान ने सनसनीखेज क्रिकेट ओपनर की जानिब से बिल्कुल सेटल नहीं हो रहे बॉलर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के सामने। दोबारा लेग स्टंप पर गेंद थी अच्छा हुक शॉट बिल्कुल खाली जगह पर नहायत उमदा क्रिकेट पूरी तरह कंट्रोल में नजर आए। यहीं पर अपने खेल में बेहतरी लाएं फखर जमान शॉर्ट पिच डिलीवरीज के खिलाफ। नो आईडिया आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज सो दैट्स अ बाउंड्री वेल डन। अगेन स्मैशेस दैट स्लाइटली शॉर्ट ही जस्ट स्टैंड्स इन द क्रीज सो क्विक इन रीडिंग द लेंथ एंड प्लेज इट एट विल। Oh wow. That looks so classy. That looks so good. Southern Punjab team that they're now playing. A lot of confidence. Fakhar Zaman goes down the ground, doesn't middle it. But he gets to the fence. Another boundary for Fakhar. Yeah, there was one dive which Rizwan put in. Foundation is set, but they need to start getting those big hits in. Fakhar goes down deep in wicket, gets the boundary. He's doing well. 8 gone, 69 without loss. और ये शानदार शॉट इस बार बिल्कुल खड़े खड़े हिट लगाई फखर जमान ने अपने मखसूस अंदाज में। ये शुरू से ही मुहिम जोई कर रहे थे लेकिन इस बार काफी आगे निकल गए और उन्हें आउट करार दे दिया गया। तो रिजवान जो ज़्यादा पुरेतमाद नज़र नहीं आए थे पिछले ओवर में भी उन्हें चार डॉट बॉल खेल दिए थे। जाहिद महमूद के आने के बाद रन बनाने की औसत कदरे कम हुई है। मोहम्मद हफीज़ ने इस बार हवा में खेला और ये कैच ड्रॉप कर दिया। बहुत आसान कैच था खुशदिल शाह जो अच्छे आउटफील्डर्स में हमेशा गिने जाते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया और आखिर में कैच गिर गया। नई जिंदगी मिली हफीज को बिल्कुल शॉर्ट लेंथ थी और उसको क्लियर करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे बात की जाए कि हफीज जैसे इनफॉर्म प्लेयर का कैच छोड़ना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। और ये जोरदार छक्का फखर जमान का उनकी जारहाना बैटिंग आज शुरू से ही उन्होंने खलबली मचाई हुई है। अपनी निस सेंचुरी भी मुकम्मल की इस बड़े फाइनल में और इससे बेहतर अंदाज नहीं हो सकता था संगे मिल तक पहुंचने का। अगर शुरू में जिस तरह इन्होंने अब्बास को छक्का लगा दिया था पहली गेंद पर और हफीज यहां छक्का लगाना चाहते थे लेकिन दूसरी बार उन्हें मात दी जाहिद ने। बदकिस्मती थी जाहिद की दोनों मौके पर हफीज बाल बाल बचे इस बार बाउंड्री भी मिल गई। शानदार शॉट बड़ी उम्दा प्लेसमेंट दो फील्डर थे उन्हें स्प्लिट कर दिया हालांकि उन दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। और नहायत सनसनीखेज बुलंदोबाला छक्का फखर जमान का
goes leg side, goes big. Hafiz finally. It's one of those big sixes that he's known for. Slower, gift, punished. Don't know what he was trying to do there. You just mentioned fine leg up. KP are going. Well, the ramp short and well ends the over with a wicket. So exceptional bowling by Amir Yameen. Goes down the ground and another wicket. So pressure built up and side with the wicket. If the car comes and goes, KP suffer another blow. We want them to play another spinner right now. Hafiz hits it straight down deep mid wicket's throat and it's been dropped. Back up, back up. Wow, what's with other teams and Hafiz? I think he's dropped for the second time here today. गेम होता है कि इसमें प्रेशर होता है ज़रूर तो ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ फाइनल्स में कि लंबा स्कोर करूँ और अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर कामयाबी होता है हमारा स्कोर अभी तक चल रहा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग 190 तक स्कोर भी करेंगे और विकेट सपोर्टेंगे अगर आप अच्छे बॉल कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है और अगर आप थोड़ा सा भी बैट्समैन को रूम दे रहे हैं तो उस पर शॉट्स भी लग रहे हैं और फाइनली बल्ले के बीचों बीच बॉल लगा और छक्का आमिर यामीन जो है जितनी अच्छी उन्होंने पहले तीन ओवर्स में बॉलिंग की उतनी ही ये अनफॉर्चुनेटली इसको कहना पड़ेगा कि रद्दी ओवर था ये 168 पे तीन बहुत बड़ा छक्का 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल कैच है नहीं होगा मुझे लगता है जैसे कि मामला चल रहा नहीं हो गया इलियास ने कैच किया और फाइनली लक रन आउट कर गई हफीज की कवर में धुआंधार शॉट बहुत ही आला शॉट खेले हैं शोएब मलिक अलोंग द ग्राउंड चौका एक और बहुत अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं और क्रीज में आगे पीछे हो रहे हैं और बॉलर को सेटल नहीं होने दे रहे लेंथ के हिसाब से सो एक और भरपूर ओवर मिला खैबर पख्तूनख्वा को 181 पे चार और लीजिए मैं हाजिर हूं ये स्टार्टर हमें दिखाया अभी उन्होंने इनिंग्स का बहुत ही आला शॉट और एक और कैच छुटा बाउंड्री लाइन पे मुश्किल कैच था अब्बास को यकीन नहीं आ रहा मगर हम तो खास से मरीना यहाँ यूज टू हो गए हैं सदन को गैप गैप चौका बेबस कर दिया अब्बास को हालांकि अब्बास बहुत मंझे हुए बॉलर है माना कि T20 उनका फॉर्मेट नहीं है मगर फिर भी आई थिंक निशान मसूद बचा सकते हैं दो रन नहीं ऐसा नहीं हुआ बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और 20 ओवर्स इख्तिताम पजीर हुए और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए फाइनल में 206 बहुत रन होते हैं अब देखना ये है कि ये मैच सदन बना सकते हैं कौन रन करेगा प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे रन चेस की पिच तो शानदार नजर आ रही है